नमस्कार दोस्तों, आज 18 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार। दोस्तों पता कर लेते हैं आज का आम का क्या बाज़ार चला, कितनी गाड़ियाँ आई, कैसी पोजीशन है, कौन कौन से माल आ रहे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। भाई साहब जी आज क्या कह रही जी मार्केट आम भाव जी? मार्केट आम की अभी देखो, कल मुहर्रम थे तो आज भी बाजार में गिरावट नहीं है। अच्छा जी। और गिरावट जो आएगी ना वो शुक्र शनिवार से आएगी, कल से और परसों से। अच्छा जी, अच्छा जी। सोमवार से बाजार बहुत बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये मान लो 4-5 दिन से बिल्कुल ऐसे ही मातम न हो रहा है कि बिक्री किसी भाव की नहीं है। अच्छा जी। बहुत कम आम बिक रहे हैं, माल जो अच्छे माल हैं ऑर्डर पे जा रहे हैं, बाकी इतना नहीं है जो भीड़ लग के बिक रहे हों। अच्छा जी। बाकी सब लोग जो है अभी माल भी कमी तोड़ रहे हैं, कल से माल टूटेंगे ज्यादा, शनिवार में और सोमवार में माल भी आएंगे और बिकेंगे भी। अच्छा, आज कितनी गाड़ियाँ आई लगभग? बहुत जी, गाड़ियों का तो कोई अंदाजा नहीं होता, बड़ी मंडी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बाकी ये अपने पास भी कमी माल कम है। हाँ, कमी मंगा रहे अभी। अच्छा जी। हाँ, 64 बेचा ये वाला 50 रुपए किलो का, ये वाला जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये ग्रीन है, मतलब ये वाइपर वाला तो नहीं है? ये मतलब वाइपर वाला बोरा गोल्डन। हाँ, वो लंगड़ा है। अच्छा, ये लंगड़ा है। 60 रुपए किलो का बिकाओ। अच्छा, और इसका चौसा बिका है 110 रुपए किलो का, ये गोल्डन चौसा जी। गोल्डन चौसा 110 रुपए किलो। अच्छा जी, और जो लंगड़ा है जिसका ग्रीन? 60 रुपए किलो। जो वैसा है वो 30-35 रुपए। अच्छा जी, अच्छा जी। बाकी दशहरी है 40-45 रुपए। अच्छा, ये कहाँ किया जी? सहारनपुर की। अच्छा जी, अच्छा, मिर्जापुर। ठीक जी। हाँ, बाकी ये पक्के चौसे 40-50 रुपए की रेंज के हैं सब, जो अपने वैसे सिंपल है जी, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, दशहरी में छोटा भी आ रहा जी माल? दशहरी छोटा बिक रहा 20 का 25 का। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, यही रेट चल रही जी बस? हाँ, यही रेट है जी अभी तो, यही अब कल परसों से क्या रेट होंगे जब पता लगेगा। अच्छा, जो गोल्डन चौसा है जी उसका क्या बाजार चला? 100 रुपए से 110 रुपए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक जी, धन्यवाद भाई साहब जी। भाई साहब जी कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए। 84-48-93-99-10। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों पता कर लेते हैं धन गुरु नानक के पास भी आम का क्या बाजार चला, कैसी हवा, क्या कैसी बिक्री है, कहाँ कहाँ के माल रहे, क्या पोजीशन है जी। नमस्कार सर जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। राणा जी कहाँ गए? राणा जी यात्रा पे आज। अच्छा, यात्रा पे। हाँ जी। चलो भाई, हमारे लिए भी कुछ मांग लेगा बोल देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जी आज कहाँ कहाँ के माल आए जी, कैसी पोजीशन? माल तो सहारनपुर के हैं। अच्छा जी। ये सहारनपुर के हैं, हसनपुर के हैं, ये तुम्हारे गजरौला के हैं। माल तो काफ़ी आया है, बाकी क्या है कि उठाव नहीं है मालों में, ग्राहक बिल्कुल टूटा पड़ा है। कारण जी? कारण भाई हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, हमारे वो भी हो गए 40-45 साल माल बेचते हुए, और मैं हमने बचपन से ही आम का काम किया, संतरे का काम किया, केले का काम किया, ये 3 आइटम हमने छोड़ी नहीं, पर क्या है कुदरत की लीला, ऐसा मंदा तो मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा। ये जो मंदा चला है ये ऊबर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। रेड़ी वाले अपनी जगह तकलीफ में आ रहे हैं, किसान अपनी तरफ से आ रहे हैं, जो खरीदार है वो अपनी तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो है चक्कर चल रहा है। तो भैया व्यापारी तो कहता है भाव जी 2 दिन रुक जाओ। भाई 2 दिन रुकने की बात नहीं है, माल बिकने की करो, माल बिक जाए वही शेर है। उठाओ कम है जी, बिल्कुल सारे गीदड़ है। उठाओ कम है क्योंकि बिहार, आंध्र प्रदेश, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, इधर जितनी भी लोडिंग हुई है सबकी जबरदस्त पिटाई हुई है, वो व्यापारी भी पिटे हैं और वहाँ वाले आढ़ती भी पिटे हैं। तो बॉम्बे में भी बाजार डाउन हो गया, अहमदाबाद डाउन हो गया, बड़ौदा डाउन हो गया, तो माल कहाँ डाले? कारण जी, कारण क्या हुआ जी? कारण तो बहुत ही है, ऊपर वाले को पता, ये रेडी वाले तो बेचारे कहते हैं कि हम 2-3 टन माल डाल रहे हैं रेडी पे और शाम को 40 किलो सारा बिकता है, तो भाई 40-50 किलो के अंदर हमारे कहाँ गुजारे होंगे, तो इसलिए वो भी बेचारे परेशान हैं। रेट कम नहीं बेच रहे बाहर में, बाहर जो है वही 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो लंगड़ा दशहरी बाहर बिक रही है, मगर क्या है खर्चे ज़्यादा है उनके भी,
और यहाँ से ये बंदा हम भी दे रहे हैं पर वो पैसे नहीं बन रहे उनके। अब वो कहते हैं नहीं बनते, हमारे को तो 100% नज़र आ रहा है कि तुम्हारे दो पैसे बन रहे, मगर रोने की आदत जिसको है वो ऊपर वाला बख्शता नहीं है। उसकी जैसे नीयत होती है वैसे वो मुराद देता है, तो वाहेगुरु जो करता है उनके लिए अच्छा कर। अगर उनकी नीयतें साफ हैं, टोल सही देते हैं, माल बराबर देते हैं, जो माल होता है वही देते हैं, तो उसके अंदर कमी कभी नहीं आती। क्योंकि उनकी नीयतें ख़राब हैं तो उस कारण जो है बाज़ार उठ नहीं रहा। नहीं तो ऐसा जीवन तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि इतना बाज़ार डाउन हो। डाउन होने का मतलब ही नहीं होता। ये कौन सा माल है जी ये वाला? ये है राज, राज ये चौसे से भी मीठी होती है। अच्छा जी, अच्छा जी। ये चौसा ही करके बेचते हैं। अच्छा जी। मगर चौसे से मंदा होता है तो ये चौसा करके बिकता है। ये 250 रुपये तो वजन 12 किलो है बेटा। अब ये देखो 250 रुपये मैंने मांगे एक से, अब बदला 200 लगा रहे हैं जी। और 12 किलो नेट है, 12 किलो नेट। तो ये सफेदे के डिब्बे में जी। लंगड़ा जी? लंगड़ा भाजी माल के ऊपर है। अच्छा जी। गोल्डन भी आ रही है अपने पास? गोल्डन माल बिक रहा है। गोल्डन माल भी आ रहा है। बीच में आया था एक आधा लाट, वो 250 रुपये का दिया था, वजन था उसमें 7.5 किलो। अच्छा जी, अच्छा जी। वो बिका था। बाकी तो लंगड़े यही आ रहे हैं, वो क्रेट आ रहे हैं, ये बड़े डिब्बे हैं, इसके अंदर 12 किलो 11 किलो बहुत बढ़िया माल है। मतलब नहीं मिल रहे तो व्यापारी भी। इसका क्या रेट चल रहा है जी 12 किलो के डब्बे का? 12 किलो भाजी 250 रुपये। अच्छा जी। सबेरे 300 मांग रहे थे, कुछ डिब्बे बिके, बाकी डिब्बे ऐसे ही पड़े, तो 250 से कम अब नहीं दे रहा। व्यापारी मना करता है, भाजी पड़ा रहने दो, कल माल मेरा नहीं उतरेगा, आप आराम से बेचो। तो भाई नीयत ख़राब करने की वो बेकार है। नीयत ख़राब नहीं करनी तो उसमें क्या है, बरकत ही बरकत है। अगर हम इसमें नज़र रख के बेचेंगे तो ना उसको बरकत पड़ेगी, ना हमारे को, ना किसान को। तो बिकता हुआ ही माल अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हिसाब है। बाकी भाई धन गुरु नानक जरूर बोले, मैं आपको बारी बारी बोलता हूँ, अपने बच्चों को उठाओ तो धन गुरु नानक बोल के उठाओ। अभी ये बाहर के ही फ़ोन बज रहे हैं, ये देखिए बाहर के फ़ोन बज रहे हैं, उनको भी माल देना है। अगर उनको वारा खाएगा तो वो ले जाएंगे, तो मंडी तो क्लियर करके जाएंगे हम। ठीक है। चाहे किसी तरह भी ये मंडी क्लियर करके, किसान के पर्चे बना के, पेमेंट करके। जैसे जी किसी को बाहर से माल मंगवाना हो जी, मतलब, तो कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी अपना। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9811117144। किसी भाई को एक डिब्बा भी चाहिए तो आपका बच्चा इंतज़ार कर रहा है, आप आए हो। शेड नंबर जी? बाकी शेड नंबर ये 30 तारीख तक है। अच्छा। 9 नंबर शेड। अच्छा जी। नंबर 257-256। ठीक जी, ठीक। किसी भाई को भी चौसा लंगड़ा दशहरी तो लगभग डिप्टी पड़ी है। ठीक जी, धन्यवाद। दशहरी वहीं बिक रही है, अच्छे रेट मिल रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे उसके। ठीक जी, धन्यवाद भाई। हाथ जोड़ के विनती मैं बारी बारी सबको बोलता हूँ, वीडियो देखने से पहले आप धन गुरु नानक जरूर बोले, जरूर बोले, वीडियो पूरी देखे, उसमें सारे रेट पूरी मंडी के राणा देते हैं। बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक के पास जाना मखोल की बात नहीं है। पपीते वाला कहाँ है, सेब वाला कहाँ है, आलू बुखारे वाला कहाँ है, मौसमी वाला कहाँ है। सुबह से लेकर शाम तक चल चल के टांगों में दर्द हो जाता है, पता नहीं वो मालिश भी करवाते हैं या नहीं करवाते, वो तो वाहेगुरु जाने। ताकत बहुत है। धन्यवाद धन गुरु नानक जी, धन गुरु।